My dear student, today we now start chapter number 5th, class 10, CBSE's periodic classification of element part 2, Mendeleev periodic table. According to Mendeleev periodic table, the property of element are the periodic function of their atomic masses. जो एलिमेंट होगा वो हमारा पीरियोडिक फंक्शन होगा किसका, एटॉमिक मास का. टोटल इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे पीरियोडिक टेबल के अंदर अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव, 63. ओके, सपोज एटॉमिक नंबर 7, मास ऑफ 40, इट इज नोन एज मास, एंड 7 इज एटॉमिक नंबर एंड n इज सिंबल ऑफ नाइट्रोजन. ओके, दिस इज द मास. इस तरीके से टोटल कितने के मासेस कैलकुलेट किए थे, 63 एलिमेंट के मासेस कैलकुलेट किए थे. द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास. एटॉमिक मास किसका पीरियोडिक फंक्शन होगा, एलिमेंट का. ओके, सेकेंड है ग्रुप एंड पीरियड्स. पीरियोडिक टेबल कंटेन वर्टिकल कॉलम. इस तरीके से जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे पास ग्रुप होंगे और हॉरिजेंटिकल रो होगी. हॉरिजेंटिकल लाइंस जो होगी, इस तरीके से जो लाइंस होगी वो हमारे पास क्या होगी बेटा, वो रो होगी. टोटल 18 हमारे पास क्या है, ग्रुप्स है, वर्टिकल लाइन है, एंड 7 पीरियड है. 7 पीरियड है किसके अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. The properties of element are the periodic function of atomic masses, and second a group and period. Period are the column, vertical lines column में, और horizontal lines क्या होगा हमारे पास, period होगा. Then again achievement of Mendeleev periodic table. क्या achievement है, discovery new elements. उसके अंदर new element का discover किया, कौन से element है, नोबेल गैसेस. नोबेल गैसेस इट मींस ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट है हमारे पास वो कौन से, हमारे पास ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट है वो नोबेल गैसेस हैं. नोबेल गैसेस को जीरो गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं. ऐसा क्यों, नोबेल गैसेस ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन. क्यों, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है फुलफिल कंप्लीट होता है बेटा, ये किसी के भी साथ इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबेल गैसेस भी कहते हैं और जीरो गैसेस भी कहते हैं. एटॉमिक मास के बेसिस पे हम देखें प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड. एका मतलब होता है 1, एका एल्यूमिनियम और एका गैलियम. एटॉमिक मास जो होता है एका एल्यूमिनियम का 68 एंड गैलियम का 69.7. उसके बाद यदि हम इसे फॉर्मूला क्रिएट करें, क्या फॉर्मूला हम इससे क्रिएट कर सकते हैं बेटा, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड. एल्यूमिनियम के लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे Al2O3. किस तरीके से हम बनाएंगे इसको, एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3 एंड ऑक्सीजन पर चार्ज होता है -2. हम इस चार्ज को बैलेंस करके बनाएंगे. जब तक ये चार्ज बैलेंस नहीं होगा किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है. ओके, एल्यूमिनियम Al2 3 2 6 +6 3 3 2 6 -6 +6 -6 बैलेंस, इसलिए Al2O3 का क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन होगा. उसी तरीके से गैलियम भी होगा, गैलियम पर +3 चार्ज होगा, 2 3 6 एंड 6. एंड देन अगेन एका क्लोराइड का हम फॉर्मेशन करेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम पर चार्ज होता है +3, क्लोरीन पर -1 तो -3, AlCl3 और वैसे ही हमारा क्या बनेगा, GaCl3 गैलियम से बनेगा. Ga +3 एंड Cl3 -1 2 3, 1 क्लोरीन पर -1 चार्ज, 1 गैलियम पर +3 चार्जेस होते हैं. ओके,